वेलकम फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र धाकड़ एंड वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्रपोजिशंस के बारे में। जी हाँ, प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस ये होते हैं आपके जो ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड होते हैं जो आपके जनरली आपके नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किए जाते हैं। जी हाँ, जो आपके ऐसे वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किए जाते हैं। प्रपोजिशन का मीनिंग क्या होता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। प्रपोजिशन, प्रे मतलब पहले, पोजिशन मतलब स्थिति। ऐसे वर्ड जो किसी चीज को पहले की स्थिति या पहले कोई चीज बताएं, कोई पहले की स्थिति पोजिशन को बताएं, क्या कहलाएंगे, प्रपोजिशंस कहलाएंगे। तो प्रपोजिशन के कुछ रूल होते हैं लगाने के, मैं आपको बता देता हूँ। उसका एक सिंपल, एक सरल और एक ही रूल है, और वो ये है कि प्रपोजिशन फॉलोज नाउन, नेवर फॉलोज वर्ब। जी हाँ, प्रपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन को ही फॉलो करते हैं, मतलब पहले नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं, वर्ब्स के वर्ब के पहले नहीं आते, वर्ब्स के पहले नहीं आते। यह चीज का ध्यान रखें, प्रपोजिशंस कभी भी आपके वर्ब्स को फॉलो नहीं करते, हमेशा नाउन या प्रोनाउन को ही फॉलो करते हैं। बस यही रूल है प्रपोजिशंस का। तो आइए अब आते हैं काइंड ऑफ प्रपोजिशंस पर। काइंड्स ऑफ प्रपोजिशंस, या काइंड्स ऑफ प्रपोजिशंस, तो मेनली प्रपोजिशंस को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मेनली जो प्रपोजिशंस को आपके फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आता है आपका सिंपल प्रपोजिशंस। जी हाँ, सिंपल प्रपोजिशन, सिंपल प्रपोजिशंस आपकी जो होती है, होती है एट, इन, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ऑफ ओ एफ और ओ डबल एफ ऑफ, ऑन, आउट, टिल, टू, अप, विथ, थ्रू, डाउन, वाई, एक्सेट्रा, जितने इतने सारे आपके होते हैं, ये आपके नॉर्मल एक ही वर्ड होते हैं, एक ही शब्द होता है, इसलिए इसको सिंपल प्रपोजिशंस कहा जाता है। सेकंड आपका आता है कंपाउंड प्रपोजिशंस। नाम से ही क्लियर है, कंपाउंड मीन्स दो से मिलकर जो बनता है उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड। एक दो से जो चीजों से मिलकर बने उसको कंपाउंड कहेंगे। कंपाउंड प्रपोजिशंस आपके जो होते हैं, जो दो वर्ड से मिलकर बने उसको कंपाउंड प्रपोजिशंस कहते हैं। जनरली ए से, मतलब आ से, या फिर आपका बी ई से बनते हैं, बी बी से। जैसे ए से देखें, अबाउट, अलोंग, अमंग, अलाउड, ये आपके अबाउट, अबाउट, अलोंग, अमंग, अलाउड, ये आपके ए से बन गई है प्रपोजिशन। जैसे बी ई से देखो, बी से बिसाइड, बिलो, बीनीथ, विटविन, वियॉर्ड, ये आपके बी ई से बन गए। ऐसे बहुत सारे और भी होते हैं, इनसाइड, आउटसाइड, विथिन, विदाउट, अंडरनीथ, ये आपके कंपाउंड प्रपोजिशंस कहलाते हैं। थर्ड पे आते हैं, थर्ड है आपका फ्रेजल प्रपोजिशन, फ्रेजल प्रपोजिशंस। जी हाँ, फ्रेजल प्रपोजिशंस क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा। जी हाँ, देखो सिंगल वर्ड, सिंगल आपके सिंपल, दो वाले कंपाउंड, और दो या दो से ज्यादा बार आपके कहलाते हैं फ्रेजल प्रपोजिशंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर बनाएंगे वो प्रपोजिशंस कहलाते हैं, फ्रेजल प्रपोजिशंस कहलाते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर बनाएंगे क्या कहलाएंगे, फ्रेजल प्रपोजिशंस कहलाते हैं। जैसे अमंग विद, अमंग विद, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, वाई मीन्स नो, वाई मीन्स ऑफ, वाई मीन्स ऑफ, फॉर द शेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, इस तरह से, इन फेवर ऑफ विद, इन फेवर ऑफ विद, इस तरह से दो या दो से ज्यादा जब शब्दों या वर्ड को जोड़कर हम बनाते हैं वो आपके फ्रेजल प्रपोजिशंस कहलाते हैं। अब लास्ट आता है, फोर्थ टाइप होता है आपका पार्टिसिपल प्रपोजिशन। फोर्थ आपका आता है पार्टिसिपल प्रपोजिशन, ये क्या होता है, जब आपका किसी में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर दे, इसके का प्रयोग बिना नाउन या प्रोनाउन के हो रहा हो। जी हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग आपका बिना नाउन या प्रोनाउन के हो रहा हो, तो आपका यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिकल जो आपका उसमें एक प्रपोजिशन की तरह फंक्शन में फंक्शन करता है, आपके एक प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह फंक्शन करता है। जैसे कंसर्निंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, टचिंग, इस तरह के जो वर्ड होते हैं आपके पार्टिसिपल प्रपोजिशंस कहलाते हैं। तो इसी के साथ आपका काइंड ऑफ प्रपोजिशंस खत्म होता है। अब आते हैं सम इम्पोर्टेंट प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस सब इम्पोर्टेंट, इसमें सबसे पहले आपके जब प्रपोजिशन की बात हो तो तीन मेन प्रपोजिशन आपके सामने आते हैं, वो है एट, इन, ऑन, एट, इन, ऑन। ये तीन प्रपोजिशन जो है बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं आपके, सबसे ज़्यादा प्रपोजिशंस यही यूज किए जाते हैं, एट, इन, ऑन। तो मैं इनके कुछ यूज आपको बताना चाहूँगा। एट, इन और ऑन का जो यूज होता है दो तरीके से किया जाता है, टाइम के से रिलेटेड और एक प्लेस से रिलेटेड। जी हाँ, टाइम रिलेटेड है, प्लेस से, मतलब टाइम का प्रीपोजिशन जो इनकी जो पोजिशन बताते हैं, ये टाइम से रिलेटेड बताएं और या फिर प्लेस से रिलेटेड बताएं। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ टाइम से रिलेटेड, किससे रिलेटेड बता रहा हूँ, टाइम से रिलेटेड। रिलेटेड में आपका
टाइम से रिलेटेड में आपका प्रपोजिशन में एच का जो यूज होता है, एच का यूज होता है प्रीसाइज टाइम के लिए, प्रीसाइज मतलब फिक्स्ड टाइम के लिए, जैसे 10 o'clock, एच 10 o'clock, एच 9 o'clock, ये प्रीसाइज टाइम कहलाता है। 10 बजे, 5 बजे, 10 बजे बराबर 10 बजे बराबर 5 बजे, तो एच 10 o'clock, एच 9 o'clock, ये प्रीसाइज टाइम के लिए एच का यूज करते हैं। अब इसके बाद आता है इन, इनका यूज करते हैं मंथ, मंथ के लिए, सेंचुरीज के लिए, या लॉन्ग पीरियड्स के लिए, मतलब बहुत महीने के लिए, या फिर बहुत कोई जैसे 5 महीने, 10 महीने के लिए, या बहुत लंबे सेंचुरीज के लिए, इन 1996, इन 1404, इस तरह से जो आपकी ईयर्स जो होती है उनके लिए, ईयर्स के लिए, पीरियड्स के लिए, या सेंचुरीज के लिए आप इसका यूज करते हैं, आप इनका यूज करते हैं। अब आपका आता है एच हो गया, इन्होंने, अब आपका आता है ऑन, ऑन का यूज करते हैं डेट्स के लिए और डेज के लिए, जी हाँ, दिन के लिए और दिनांक के लिए, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूजडे, ऑन 29 सितंबर, ऑन 49 सितंबर, इस तरीके से हम किसका यूज करते हैं, आपका ऑन का यूज करते हैं। तो हम कुछ सेंटेंस ले लेते हैं, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि भैया किस तरीके से यूज करते, जैसे कि रिचा वेंट होम एट लंच टाइम, रिचा वेंट होम एट लंच टाइम, एट लंच टाइम, लंच टाइम आपका प्रीसाइज टाइम है, लंच टाइम फिक्स्ड होता है, भैया लंच टाइम ही आएगा, तो इसमें यहाँ पे क्या यूज करा हमने, एच का यूज किया। मैं आपको एच का थोड़ा और बता देता हूँ, एट 3 o'clock, एट 10:30 AM, एट नून, एट डिनर टाइम, भैया नून फिक्स है, नून आपका फिक्स्ड है ना, प्रीसाइज टाइम है, पता चल जाता है, तो इसलिए एट नून, एट डिनर टाइम, एट बेड टाइम, एट सनराइज, एट सनसेट, एट द मून, एट द मोमेंट, कभी कभी एट द मोमेंट, तो इस तरीके से आपका एच का यूज, एट द मोमेंट, एट, इस तरीके से। इनका और बता देते, इनका किस तरीके से आप करेंगे इनका आप इस तरीके से करेंगे, इनका जो यूज होगा आपका, इनका इन मे, इन समर, इन द समर, इन 1990, मतलब बहुत ज्यादा लंबे में, इन 1990, मतलब इन 90, जो लॉन्ग पीरियड, बहुत सेंचुरीज की बात हुई, इसलिए इन 90s में, इन मे मंथ की बात, इन मे मंथ में, इन मे, इन समर, इन इन दी समर टाइम, इस तरीके से आप समर इनका यूज करेंगे। और एच का यूज किस तरीके से करेंगे, सॉरी ऑन का यूज, ऑन संडे, ऑन ट्यूजडे, ऑन 6th March, और दो फिक्स आप प्रीसाइज टाइम, भाई 6th March, ऑन माय बर्थडे, ऑन माय बर्थडे, ऑन न्यू ईयर ईव, ऑन न्यू ईयर ईव, तो इस तरह के आपके जो होंगे उसमें ऑन का यूज होगा। मैं आपको सेंटेंस समझा देता हूँ कि किस तरीके से होंगे, जैसे रिचा वेंट होम एट डिनर, एट लंच टाइम, एट डिनर टाइम, एट ब्रेकफास्ट टाइम, उसमें एच आ रहा है, क्या है एच। अब जैसे इन क्या जाएगा, डू यू थिंक वी विल गो टू, डू यू थिंक वी विल गो टू अ रेस्टोरेंट इन द फ्यूचर, वी डू यू थिंक वी विल, डू यू थिंक वी विल गो भोपाल इन फ्यूचर, इन फ्यूचर, इन फ्यूचर, इन फ्यूचर, लॉन्ग टाइम है आपका ये, लॉन्ग पीरियड टाइम के बाद, इसलिए आपका आएगा इन फ्यूचर है, क्या आएगा इन फ्यूचर, है ना, जैसे इन 1869, इस तरीके से। ऑन क्या होगा, डू यू वर्क ऑन संडे, डू यू वर्क ऑन संडे, आर यू फ्री ऑन संडे, यस आई एम नॉट फ्री ऑन संडे, तो ऑन संडे इस तरीके से आपका आएगा। तो ये प्रपोजिशंस को टाइम के हिसाब से इनका यूज इस तरीके से होता है, तो इनको रिवाइज करेंगे तो आप अपने आप से समझ सकते हैं। जी हाँ, अब आते हैं आपका एट, इन और ऑन का जो यूज होता है प्लेसेस के हिसाब से, इन द रेफरेंस ऑफ प्लेस, प्लेस के हिसाब से आते हैं। तो एट का जो यूज होता है वो फॉर अ पॉइंट के लिए होता है, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट की बात हो, किसी पॉइंट की बात हो रही होती है, वहां पे किसकी बात होगी, इसके लिए आपका एच का यूज करेंगे। इनका यूज इनक्लोज सरफेस के अंदर, किसी चीज के अंदर होना, किसी चीज के पूरा अंदर होना, क्या इनका यूज होता है। ऑन का यूज करते हैं किसी सरफेस पर होना, सरफेस सतह पर होना, उसको कहते हैं आप ऑन के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एट कैसे पॉइंट में एच करूँ, जैसे एट द कॉर्नर, एट द बस स्टैंड, एट द बस स्टॉप, एट द डोर, एट द टॉप ऑफ द पेज, एट द टॉप ऑफ द पेज, एट द एंट्रेंस, मतलब किसी पॉइंट पर होता है, यहाँ पे पॉइंट टू की बात होती है, वहां पे एच का यूज करेंगे। इन इनक्लोज सर्विस में किस तरीके से होगा, इनक्लोज सर्विस वो आप देख लीजिए, जैसे इन द गार्डन, इन द रूम, इन द रूम, इन द गार्डन, इन इंडिया, इन इन अ बॉक्स, इन माई पैक पॉकेट, पैक पॉकेट के अंदर, इन माई पॉकेट, इन इन द रूम, इस तरह पूरे जिसके अंदर कोई चीज हो उसके लिए इनका यूज करेंगे। ऑन, ऑन मतलब सरफेस के लिए, जैसे ऑन द वॉल, ऑन द सीलिंग, ऑन द कवर, ऑन द फ्लोर, ऑन द मेनू, ऑन द पेज, आई एम ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, किसी सरफेस के ऊपर होना, ऑन द फ्लोर, तो इस तरीके से यूज होता है आपका ऑन का होता है। तो मैं आपको कुछ
सेंटेंस समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे ही इज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप। He is waiting for you at the bus stop. He is waiting for you at the bus stop. तो at the bus stop, तो bus stop के at point की बात हो रही थी, at the bus stop. जैसे ये जगह, I am in India. मतलब मैं India हूँ, तो I am in India. India के अंदर हूँ, I am in आएगा यहाँ पे. या I am in the room. तो यहाँ पे in आ रहा है, क्योंकि पूरे closed service हम उसके अंदर हैं, इसलिए आपका in the room आ रहा है. अब आता ऑन के लिए, जैसे ऑन का कोई भी सेंटेंस हम लेंगे, आई एम ऑन द रूफ, मैं छत पर हूँ, आई एम ऑन द रूफ. द पेज द बुक ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, बुक आपकी टेबल पर है, बुक आपकी टेबल पर, तो ये सर्विस पर है. तो दिस इज द यूज ऑफ एट, ऑन और इन. ये आपको होप यू गाइस आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है, सरल है. तो प्लीज़ इसको बार बार रिवाइज करें तो आप समझ जाएंगे आराम से. मैं आपको ये तो मैंने आपको सिंपल यूज बताया, यूज ऑफ इन, एट और ऑन का, प्लेसेस के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से, काइंड ऑफ प्रपोजिशंस वगैरह वगैरह. अब आपके इसमें और भी टाइप होते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से बताऊंगा. सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.